व्हाट इज डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट क्या होता है चलिए समझते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, तो उस शेयर्स को आप रखेंगे कहां पर? वो कोई आलू या गोभी नहीं है जिसको हम अपने घर के किचन में रख लें, वो शेयर्स हैं। और शेयर्स आजकल डिजिटल फॉर्मेट में आते हैं, तो इनको रखने के लिए कोई ना कोई जगह तो होनी चाहिए। तो ये जो जगह है इसको कहा जाता है डीमैट अकाउंट, यानी डीमैट अकाउंट में आप अपने शेयर्स रखते हैं। अब डीमैट अकाउंट के साथ ही एक और अकाउंट होता है जो ऑटोमेटिकली खुल जाता है, और वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। आजकल जनरली ट्रेडिंग अकाउंट बोला नहीं जाता, डीमैट अकाउंट को ही लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी समझ लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए बता देता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं। यानी डीमैट अकाउंट में अगर आपको शेयर रखने हैं तो वो खरीदने और बेचने भी तो पड़ेंगे, तो वो जो खरीदने और बेचने के लिए जिस अकाउंट का यूज किया जाता है उसको कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। यानी डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको इन दोनों के डिफरेंस को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके साथ ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल जाता है, जिसके थ्रू आप शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। और जब आप शेयर को बाय करेंगे तो वो आपके डीमैट अकाउंट में रखे जाएंगे, और जब आप शेयर्स को सेल करेंगे तो वो आपके डीमैट अकाउंट से ही सेल किए जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप शेयर को खरीद रहे हैं तो इसको खरीदने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर जगह में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल जो डीमैट अकाउंट होता है ये आप अपने मोबाइल फोन से ही खुलवा सकते हैं। जब मैं डीमैट अकाउंट की बात कर रहा हूं तो समझ लीजिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट को भी उसी में इंक्लूड कर रहा हूं। यानी आपने अगर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो वो आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे खुलवा सकते हैं। वैसे अगर आप अपने फ्री एंड बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ये जो डीमैट अकाउंट होता है ये आपका डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में नहीं खुलता है, ये खोला जाता है एक ब्रोकर के पास। यानी बड़े बड़ी जो कंपनीज के नाम आपने सुन रखे हैं, ज़ीरोधा, एंजल वन, ग्रो, ये सब क्या हैं? ये ब्रोकर हैं, और आप ब्रोकर के पास ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से शेयर नहीं खरीद सकते हैं, आपको ब्रोकर के थ्रू शेयर्स खरीदने होते हैं। तो आप अपने जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो ब्रोकर के पास प्लेस करते हैं, और आपका जो ब्रोकर होता है वो आपके बिहाफ में आपका जो शेयर है वो बाय करता है, और जब आप अपने शेयर सेल करते हैं तो वो भी आपका ब्रोकर आपके बिहाफ में सेल कर देता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल लोगों के माइंड में आता है कि जब सारी चीज हमारा ब्रोकर के पास है तो ऐसे में अगर मान लो ये जो ब्रोकर कंपनी है ये भाग गई तो क्या होगा? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट भी इस चीज को समझती है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने दो तरह की डिपॉजिटरी बना रखी है, एक है CDSL और दूसरी है NSDL। तो ये जो शेयर्स हैं ये भले ही आपके डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं, लेकिन वहां पर एक्चुअल में वो सिर्फ शो हो रहे हैं, वो सिक्योरली CDSL और NSDL जैसे डिपॉजिटरीज में रखे जाते हैं जिसको गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो अगर कोई ब्रोकर है जिसके थ्रू आप शेयर्स बाय करते थे, सेल करते थे, वो भाग जाता है या वो कंपनी बंद हो जाती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने शेयर्स बाय कर रखे हैं तो उन शेयर्स को आप CDSL या NSDL से रिकवर कर सकते हैं। बट फिर भी जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हो तो एक अच्छी जगह पे खुलवाना चाहिए, तो ऐसा ही एक बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब शेयर मार्केट की इतनी बात हो रही है तो आपने म्यूचुअल फंड के बारे में भी सुना होगा, तो ये म्यूचुअल फंड क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।